देश की राजधानी में पिछले कई दिनों से राजनीतिक उथल पुथल जारी है। एक तरफ जहां किसान कृषि बिलों के खिलाफ लगातार दिल्ली से सटे बॉर्डर पर आंदोलनरत हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच घमासान जारी है। आप बीजेपी शासित निगम पर 2500 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा रही है, वहीं बीजेपी आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार पर निगम का बकाया 13000 करोड़ रुपया नहीं रिलीज करने का आरोप लगा रही है। देश के सभी राज्यों के अंदर वहां की सरकारें स्थानीय निकाय को मजबूत कर दिए, लेकिन दिल्ली के अंदर ऐसा अराजक मुख्यमंत्री बनकर के बैठ गया है जो स्थानीय निकाय को सहयोग करने की बजाय कमजोर करने पर तुला हुआ है। बकाया फंड की मांग को लेकर जहां 7 दिसंबर से तीनों निगमों के मेयर सीएम आवास के बाहर धरने पर बैठे हैं, वहीं आम आदमी पार्टी भी घोटाले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के आवास के बाहर धरने की इजाजत को लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगा चुकी है। अब बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बकाया राशि की मांग को लेकर एक दिन का उपवास रखा और साथ ही कहा कि सीएम केजरीवाल के इस रवैये के कारण निगम कर्मचारियों का वेतन रुका हुआ है। क्या रहेगा, चोर हमेशा मूछ पाता है। केजरीवाल जी समझना चाहिए, केजरीवाल की सरकार आने से पहले जो दिल्ली जल बोर्ड लाभ में चलता था, लेकिन केजरीवाल की सरकार के कारण आज वो साधारण बच्चे नहीं है जो दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में पढ़ते हैं। लगभग 50,000 रोगी दिल्ली के नगर निगम के अस्पतालों में जाकर के उसका लाभ उठाते हैं। 2.5 लाख कर्मचारी जो दिल्ली के अंदर अपनी सेवा देते हैं। अब देखना होगा कि कब तक दिल्ली में ये राजनीतिक उथल पुथल जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत, दिल्ली।